यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुंच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संत हिरदाराम नगर के सिहोर नाका स्थित विसर्जन घाट पर भोजपुरी समाज द्वारा छठ पर्व मनाया गया। यहां डूबते हुए सूरज को अर्ध देकर विधि विधान से छठ माता की पूजा अर्चना की गई। छठ पर्व पर डूबते हुए सूरज को आज अर्ध दिया और बुधवार को उगते हुए सूरज को अर्ध देकर महिलाओं ने उपवास खोला। यहां सिहोर नाका घाट पर जोरदार आतिशबाजी भी की गई। एक दूसरे को छठ पर्व की बधाई दी गई। यहां बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। वहीं चुनाव के चलते चुनाव में खड़े प्रत्याशी भी छठ पर्व को लेकर हाजिर लगाने पहुंच गए थे। हुजूर क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रामेश्वर शर्मा एवं कांग्रेस उम्मीदवार नरेश ज्ञानचंदानी भी विसर्जन घाट पहुंचे। यहां घाट पर 101 दीपों का दान भी किया। जी, व्रत के बारे में सुख और समृद्धि के लिए करते हैं, अपने परिवार के सुख शांति के लिए करते हैं। ये हमारा व्रत तीनों के लिए होता है। दिन भर उपवास रहता है, मोदर के छठ माता की पूजा करने सूर्योदय दोनों टाइम पूजा करने के लिए अर्घ दिया जाता है। इसमें मेन छठ पूजा बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है समाज का, पूर्वांचल के वासियों द्वारा, भोजपुरी वासियों द्वारा मनाया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये महिलाएं पूरे विश्व के कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए उगते हुए सूर्य और उसके पहले डूबते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं। आज तक के कभी कहीं भी आप किसी भी पूजा पाठ की पद्धति में ये नहीं पाएंगे कि डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है, पर इसमें इसके पीछे मान्यता ये है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद में हम उगते हुए जब सूर्य को देते हैं तो हम निर्वाण से निर्माण तक जो एक पूरी परिकल्पना है विश्व की, हम उसके पुनर्निर्माण के लिए और उसके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इसको उपवास करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुँच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दिल से वक्त
बदलाव का एमपी पुकारे दिल से वक्त है बदलाव का कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।